our first episode tha. I think I had so yes. much fun. Hum log peeche se itna hoot kar rahe the sabke liye. It was a very good episode. I think. Yeah, I think all the characters are very promising and very well known. Actors bhi liye gaye hain. It's a musical show. Bahut dinon ke baad musical show aaya hai. So I think all of us really, really enjoyed. Yeah. Yeah, and that song was beautiful. I am waiting for more songs. और बहुत अच्छा शो है ना? हाँ, आई थिंक अभी तक 24 घंटे में से एक घंटा लोग ऐसे रिलैक्स करके पूरे दिन थक हार के हमारा शो और अनुपमा देखते थे. अब हम और रिलैक्सेशन और एंटरटेनमेंट लेकर आ रहे हैं. 1.5 आवर 24 आवर्स से आपको देने लाइक अ गिफ्ट. मुझे ये डीके भी और स्टारप्लस का यही बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने थिएटर एक्टर्स को बहुत यू नो चांस दिया है. एंड यू नो दे आर performing amazingly each and every character. तो बहुत मजा आया. हाफ एन आवर कैसे यू निकल गया पता ही नहीं चला. वो सच में लग रहा था दैट शी इज ओनली सिंगिंग. यस, एंड आई थिंक मोहित्स कैरेक्टर आल्सो इज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर वेयर ही इज लुकिंग रियली गुड. हॉट, वेरी डैशिंग. एंड इट्स ओनली द फर्स्ट एपिसोड बट व्हेन आई सॉ देम टुगेदर एंड आई थॉट अरे बाप रे इसका तो और किसी के साथ है. ओह, बट आई थिंक इट्स गोना बी सुपर फन. आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड. एक्चुअली इट डिडंट लुक लाइक उनका फर्स्ट एपिसोड. आई थिंक हमें हम सबको एक साथ एक चीज करनी चाहिए. इस शो से आई डोंट नो, इनका फ्रीज बहुत मजेदार लगा है मुझे. मैं देखना चाहती हूँ कि वो कल क्या कहती है. और इतना सुंदर गाने के बाद उसे अच्छा नहीं लगा. बकवास बोल दिया तो आई वांट टू सी वो कैसे स्टैंड लेती है अपने लिए. मुझे तो आई वेरी एक्साइटेड. एकदम फिल्म जैसा ही लगा, जैसे प्लेन एंड ग्राफिक्स एंड मतलब लगा ही नहीं कि ये सीरियल है. आई थिंक उनकी जो लव स्टोरी होगी मोहित एंड साइली दोनों एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं एंड आई डोंट नो हाउ दे गोना कम टुगेदर एंड लेट्स सी पोल्स अपार्ट दोनों. बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं. आई थिंक आज के एपिसोड में सबको ट्विस्ट, आज और कल के एपिसोड में बहुत ट्विस्ट दिख गया था कि मैं लॉयर बन के आ गई एंड आई एम डिफेंडिंग अभिमन्यु बिरला. तो अभी और ऐसे बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहेंगे. वो तो उसके लिए तो आपको हमारा एपिसोड देखना पड़ेगा. आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस. आई थिंक तीन शोज हैं और काफ़ी मज़ेदार हैं. तो देखते रहिए एंड कीप शावरिंग लव. आपने ये रिश्ता को इतने सालों से सपोर्ट किया है, अब नए शो को भी सपोर्ट करिए. आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. तो देखना ही, लेकिन 9:30 बजे ये रिश्ता भी देखना मत भूलिए. सो 9 से 10:30 तो हमने बुक कर दिया है आपके लिए. Thank you. So bye-bye. बहुत ही बेहतरीन कास्ट है. आई वुड लाइक टू से ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल कास्ट एंड मोहित एंड साइली हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड एवरीबडी इन द कास्ट. आई मीन जिनके भी नाम लूँ कम होगा बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन जिनकी कास्टिंग हुई है देर ऑल्सो एप्ट अपने अपने रोल्स में एंड यू नो देर ऑल सच फाइन एक्टर्स. सो बातें कुछ अनकही सी. ओवरऑल आज हमने पहला एपिसोड देखा है. आई केम एंड आई वॉच्ड इट विद माय मदर. माय मॉम्स हियर विद मी एंड हम अपनी पूरी अनुपमा टीम के साथ हैं. सो यू नो एज अ DKP फैमिली हमने पूरा ये देखा एज अ फैमिली ऑफ DKP एंड शाही प्रोडक्शन. सो इट्स अमेजिंग. द शो इज़ ब्यूटिफुल, इट लुक्स ग्रैंड एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस भी जब ये शो देखेगी उनको बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा मैं कह रही हूँ. इट्स अमेजिंग एंड जस्ट आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट टू बातें कुछ अनकही सी. फैमिली में तो आप तो ऑलरेडी ऐड हो ही चुके हैं. अभी जब न्यू मेंबर्स जब आते हैं और उनका जो
अबाउट अनुपमा, ऑफ कोर्स आई मीन देखो आप तो जानते हैं कि अनुपमा ने शुरू से कभी भी वो चांस मिस नहीं किया है जहाँ पर ऑडियंस को लगे कि यार हर एक एपिसोड में कुछ अलग देखने उनको मिल रहा है कि नहीं. एवरी एपिसोड, एवरी लिटरली एवरी एपिसोड हैज़ सो मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स कि ऑडियंस आई थिंक यही चीज़ एक्सपेक्ट करती है अब फ्रॉम अनुपमा कि यू नो देर बी सो मेनी न्यू थिंग्स एवरी टाइम. तो अभी तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं. आप फिलहाल जो देख रहे होंगे शो में तो आप देख रहे होंगे कि काव्या भी एक बहुत बड़े मेस में है फिलहाल. सो इसका क्या अंजाम होगा, क्या नतीजा निकलेगा, और बहुत सारे ट्रैक्स हैं जो अनफोल्ड हो रहे हैं साइड बाई साइड. सो आई थिंक ओवरऑल इट्स गोना बी अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. सो थैंक यू सो मच दी ऑडियंस, स्पेशली द लॉयल ऑडियंस ऑफ अनुपमा जिन्होंने अब तक हमारे शो को टच वुड नंबर वन पोजिशन पर रखा है. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट डी के पी. यू नो हमारे जो प्रोडक्शन में चाहे किसी भी इनके न्यू शो का लॉन्च हो या फिर मेड बी दिवाली, क्रिसमस, ईद, होली, दशहरा, कोई भी फेस्टिवल हो, तो हम एक फैमिली की तरह उस यहाँ पर यूनाइट होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं. तो आज तो इनके शो का पहला एपिसोड था, हम सब एक साथ मिल के शो देख रहे थे. तो यू नो एक ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव फीलिंग आती है. ऐसा लगता है कि यू नो यू हैव सच अ ह्यूज एक्सटेंडेड फैमिली हु आर योर वेल विशर्स. तो इतने सारे वेल विशर्स जब अपने होते हैं एंड इतने लोगों को हम मिलते हैं, दूसरे शो के लोगों को मिलते हैं जिनको रोज़ रोज़ मिलने का मौका नहीं मिलता है, इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ. So we realize that we are such a big family, you know, altogether, who really love each other and support each other and wish the best for each other. So I think it's a blessing to be in an environment like this. Yes. जैसे अनुपमा, जब अनुपमा का पहला एपिसोड आपने देखा था तो जिस तरह से आपने अनुपमा को मौका दिया था कि वो आपके दिलों पर कैप्चर करे, आपके दिलों को जीत ले, उसी तरह से बातें कुछ अनकही सी एक नया शो है. बिल्कुल आपको तो बहुत पसंद आएगा ही, बिकॉज मैं तो पहला एपिसोड देख चुकी हूँ और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत 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 प्यारा एपिसोड था, बहुत दिल को छुआ. कहानी भी ऐसी है जो कि बहुत रिलेटेबल है, जैसे कि अनुपमा आपको रिलेटेबल लगती है उसी तरह से आपको ये कहानी भी रिलेटेबल लगेंगी. क्योंकि आफ्टर ऑल आप सारे शोज़ ऑफ डीकेपी को टचवुड इतना प्यार दे चुके हैं. मेड बी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा, बातें कुछ अनकही सी, आई कुठे करते. सो यू नो सारे शोज़ को आपने इतना प्यार दिया है तो बातें कुछ अनकही सी की बारी है. अब इसे भी मौका दीजिए एंड आई एम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट, यू विल लव दिस शो. थैंक यू, थैंक यू. पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. ऑफकोर्स मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ तो मैं एंटिसिपेशन थी एंड पहला एपिसोड देखा नहीं था, बट देख के टू गुड, टू गुड. आई वुड सी इट एज अ व्यूअर इवन. अगर मैं इसमें काम नहीं भी कर रही थी तो भी मैं ये शो देखती. डीकेपी इज़ लाइक वन बिग फैमिली. फ्रॉम डे वन राजन जी क्रिएट्स अ वेरी फैमिली एटमोसफियर फॉर ऑल दी एक्टर्स एंड बिहाइंड द सीन्स पीपल. कि हमको जब हम काम करते हैं या मिलते हैं आपस में, हमको लगता है कि हम एक ही फैमिली हैं. बहुत कुछ है इस कहानी में, बहुत सारी अनकही बातें हैं जो हर फैमिली में होती है, कि बहुत सारा कुछ हम बोलना चाहते हैं लेकिन खुल के बोल नहीं पाते, और ना बोल के भी हम बहुत कुछ बोल जाते हैं. तो इट्स गोना बी अ इमोशनल रोलर कोस्टर विद अ लॉट ऑफ म्यूजिक, लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ रोमांस, लॉट ऑफ टीयर्स, लॉट ऑफ स्वेट. इट्स गोना बी फैंटास्टिक. Still too early. आपके हस्बैंड बहुत रेयर अपीयरेंस देते हैं आपके साथ. आज इन्होंने आपका शो देखा है तो अकादमी में हम जाना चाहेंगे, आपका क्या रिएक्शन होगा? राजन मेरा बहुत पुराना दोस्त है, आई थिंक 35 इयर्स. जब मैं शारण प्रभाकर के शोज करता था तो वो खुद बता रहे थे मुझे कि वो टिकट विंडो पे बैठते थे. मुझे, मैं भूल गया था, मुझे पता ही नहीं था. तो
राजन के शोज बहुत सक्सेसफुल हुए हैं एंड ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स ऑन टेलीविजन. जब शीबा ने कहा कि मैं उनका शो कर रही हूँ तो मैंने बोला वेरी गुड. और आज जो मैंने पहला एपिसोड देखा, आई थिंक लाइक यू सेड, मैं आता नहीं हूँ टीवी के प्रोग्राम में, अपने खुद के टीवी शोज भी मैंने आधे देखे नहीं है, पर आज आकर अच्छा लगा मुझे, एपिसोड बहुत अच्छा लगा एंड डिफरेंट है. म्यूज़िक का कोर इसका है जो कॉमन नहीं है, फैमिली ड्रामा बाकी तो खैर वो सब है ही है, बट म्यूज़िक को लेके ये शो क्रिएट किया गया है तो एक डिफरेंशिएटर है. आई थिंक एवरीवन हैज बीन कास्ट वेरी वेल और आगे सबके शेड्स निकल के आएंगे. मैंने इनका भी देखा, मुझे लगा आगे चल के ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगी. घर मैं OTT और फिल्में इतनी कर रहा हूँ, लेकिन राजन अगर कहेगा, बल्कि एक्चुअली मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ, राजन ने जब फ़ोन किया कि आज आप भी आना, मैंने कहा देख अगर मैं तेरे सेट पे आया मतलब मैं तेरे शो में एंट्री मार ली. तो ये मजाक मैंने किया, अगर कुछ अच्छा होगा तो मैं नॉर्मली बहुत जगह TV पे ना बोलता हूँ, बट राजन के लिए डेफिनेटली हाँ बोलूँगा. ये अच्छा है कि हम लोग सेम फिल्म में होते हैं पर अलग अलग होते हैं, साथ में होते तो लड़ लेते. धर्मा के साथ काम करना इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड. मैंने सेल्फी भी की थी धर्मा के साथ, आई थिंक फैबुलस. सेल्फी में लंबा रोल था, रॉकी और रानी में छोटा था, बट करण को ना कहना नॉट पॉसिबल. और हम दोनों उस फिल्म में आए, फिल्म अप्रिशिएट हुई, बहुत अच्छा है. और ठीक है, उसी तरह अगर एक अलग ट्रैक में अगर कभी कल को राजन बुलाएगा यहाँ तो मैं राजन के लिए ज़रूर आऊँगा. सॉरी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि शीबा लव्स टू एक्ट एंड वो सबसे ज़्यादा खुश है जब वो शूटिंग पे है. तो ये इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि घर में हम लड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो सेट पे बहुत खुश रहती है. तो अब शादी के बाद कुछ साल काम छोड़ा, बच्चे बड़े हो गए, नाउ शी इज़ बैक. अभी उसने रॉकी रानी के बाद फतेह भी की है, उसमें भी हम दोनों हैं बट सेपरेट रोल्स हैं. अभी ये इनका डेली सोप आया है नागिन के बाद, सो शी इज़ हैप्पी. आई होप पीपल कंटिन्यू टू लव हर एंड सपोर्ट हर, बिकॉज वो जितना ज़्यादा काम करेंगी उतना ज़्यादा घर से बाहर रहेंगी, उतनी शांति हस्बैंड्स को होती है. शी कॉपीज मी, मैं थोड़ी लेडीज को देख के कॉपी करूंगा. नो, आई एम कॉपीइंग हिम. मैं पहले देखती हूँ आकाश क्या पहन रहे. नहीं, बट एक्चुअली कोइंसिडेंस है, मैं कुछ काम कर रहा था, शी सेड लेट हो रहे रेडी हो, तो मैंने तब तक ये डिसाइड किया था ब्लैक पहनूंगा और ये रेडी होके आई रूम में कि चलो निकलना है. तो इट वॉज अ कोइंसिडेंस. बहुत साल बाद ना हस्बैंड एंड वाइफ का वेवलेंथ एकदम मैच होने लगता है, बिना कुछ बातें कुछ अनकही सी रह के भी बहुत कुछ कह जाते हैं. मत बोलो ऐसा, क्योंकि उस स्टेज में लोग बोलते हैं हस्बैंड वाइफ भाई बहन जैसे हो जाते हैं. थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू राजन. इट इज लेफ्ट मेंटालिटी 10. मैं अभी जॉन्ग पे हूं, आई डोंट रिमेंबर फॉर लॉन्ग. डायरेक्शन तो मैंने छोड़ दिया, अभी काफ़ी साल हो गए, आई थिंक मोर देन 10-15 ईयर्स आई स्टॉप डायरेक्टिंग. तो मैं डायरेक्ट करता नहीं हूँ आज, आई एम प्रोड्यूसिंग दिस शो. नहीं, मेरा खाली रिएक्शन का, जो जनता का रिएक्शन होगा वो मेरा होगा. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट वन थिंग दैट द टीम अगेन, यू नो, एक रिश्ता का कहलाता है अनुपमा और अब बातें कुछ अनकही सी, एक साथ में तीनों शोज जो आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा इन दोनों के कंधों पर है. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट वी गॉट दिस प्लेटफॉर्म
हमें ये मौका मिला है ये शो बनाने का, एंड थैंक्स टू ऑल दी ऑडियंसेस. और एक अलग तरीके का टेक्सचर है जो आई एम होपिंग अप्रिशिएट हो. सी हम मेहनत करेंगे, कर्म अभी क्या वो रिजल्ट्स आते वो तो आई थिंक ऊपर वाला डिसाइड करता है और ऑडियंस डिसाइड करती है, बट हमारा काम है मेहनत करना, विच आई थिंक द टीम्स हैव बीन डूइंग ब्रिलियंटली. नो आई थिंक मोहे तो मेरा एसोसिएशन बहुत साल पुराना है, जब मैं डायरेक्ट करता था. अब मैंने छोड़ दिया. मैं बोलने वाला था कि छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? नहीं, अच्छे डायरेक्टर्स आ गए एंड हमारे खुद कंपनी के माए ऑल माई असिस्टेंट्स आर डायरेक्टिंग, बट मोहित आई डायरेक्टेड हिम इन मिली, माई फर्स्ट शो, हिज फर्स्ट शो आई डायरेक्टेड हिम. सो द एसोसिएशन हैज़ बीन वेरी लॉन्ग. वी डिड अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट, सम डिडंट मटेरियलाइज और वॉट एवर, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हिज ग्रोथ, यू नो. एंड इस इंडस्ट्री में जो एक ऑनेस्टी सिंसेरिटी ना, बिकॉज इतना चकाचौंध होता है, स्पेशली मीडिया बहुत हावी हो जाती है और काम कम करते हैं. आई एम वेरी हैप्पी दैट मोहित हैज़ ग्रोन इन टर्म्स ऑफ हिज इंटेग्रिटी, हिज इंटेंसिटी, द वे ही गेट्स इनटू द रोल. तो जब ये कॉन्सेप्ट बना, स्टोरी है, तो सबसे पहले माइंड पे मोहित आया कि आज के दौर में वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट डेडिकेटेड ब्रिलियंट परफॉर्मर एंड अ ग्रेट ह्यूमन टू वर्क विद, यू नो. सो ये कॉम्बिनेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंसेस का था. So I'm very happy Mohit and I, we are collaborating again on this new platform. And then we have Saili, who's done a brilliant job as Vandu. Will be the surprise element in this show, has worked very hard for it. So in dono ki ek jo kahani hai, ek new texture hai, ek writing ke andar, performances. Man, I'm very, very happy that they have come together. It's a beautiful couple and ek naya texture, a great castings together, great writing, great direction, great presentation. तो बस ऑडियंस देखेगी, आप सब देखेगा, बताइएगा. डीकेपी इज नोन फॉर गुड म्यूजिक ऑलवेज. इस शो में भी म्यूजिक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? म्यूजिक का ही शो है, ये म्यूजिक प्रोड्यूसर है, ये ओनर है म्यूजिक कंपनी के, ये सिंगर. आई थिंक वो टेक्सचर बहुत खूबसूरत है, बिकॉज एक विजुअल आता है, लिरिक्स आते हैं, तो म्यूजिक इज अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस शो. तो एक चैलेंज है कि कैसे, कितनी रिहर्सल्स होती है म्यूजिक की और सिंगिंग की, वायलिन प्लेइंग की. अभी मोहित ने कुणाल ने, आई कॉल हिम कुणाल नाउ, कुणाल ने इतना ब्यूटीफुली वायलिन प्ले किया है इस दिन ना, फ्यू डेज बैक, एंड हर सिंगिंग प्रैक्टिसिंग एंड ऑल दैट. सो आई थिंक एक चैलेंज है, एंड फॉर गुड एक्टर्स टू टेक अप द चैलेंज, इन अ ब्रिलियंट जॉब. एंड जस्ट होप द ऑडियंसेस वॉच इट, बिकॉज एक सिंपलिसिटी है, कैरेक्टर ओरिएंटेड ड्रिवन शो है, और एक सिंपलिसिटी है, जस्ट प्रेइंग इट वर्क्स. Yeah, this again is a second collaboration with Mom and Me after Anupama. So, you know, really praying and hoping that, you know, ye sabki blessings mile. And please dekhega ye show. Aur bahut khoobsurat performances kari hai Mohit aur Sayali ne. But now we'll call them Bandhu and Kunal. And the Karmarkas and Malhotra se kahani yahan se shuru ho gayi hai. Please dekhega. Yeah. Thank you. Thank you. Kuch, anything you want to ask them? अरे माय एक्सपीरियंस मैं क्या बताऊँ, मतलब आई हैव बीन अ फैन ऑफ हिज वर्क, जैसे कि उन्होंने बताया मिली में, एंड मुझे तब से याद है दैट पैशन दैट यू नो ही हैज़ टुवर्ड्स वर्क, एंड द वे ही वाज लीडिंग मी इनटू द सीन कि कैसे उसको यू नो इमोशन लाना है. एंड पोस्ट दैट ऑल्सो एज ही सेड आई हैव बीन डाइंग टू वर्क विद हिम, एंड वी वर ट्राइंग टू यू नो कुछ साथ में करें. एक हमने पायलट भी किया था, नहीं हुआ वो, मटेरियलाइज नहीं हुआ, बट दिस इज़ फाइनली फॉर्चुनेटली आई एम वर्किंग विद हिम. एंड मुझे नहीं, सच में बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था वो, तब से मैं जब मिली में देखा था और आज जब मैं इनको देखता हूँ, आई थिंक सक्सेस के बावजूद इन्होंने जो हार्डवर्क है अपना वो छोड़ा नहीं है, वो बढ़ गया है, वो बढ़ गया है. और मैंने जब देखा, मैंने कहा दिस इज़ सो इंस्पायरिंग. आई टोल्ड हिम, मैंने कहा आप बहुत इंस्पायर कर रहे हो मुझे. एंड यू नो कहीं की बार मेरे को अपना रियलिटी चेक मिल जाता है कि यार इनको देखो इनको देखो. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट गाय टू वर्क विद, एंड सर के साथ मतलब यू नो ही इज़ अ ग्रेट क्रिएटिव. द वे ही गेट्स इनटू द स्क्रिप्ट, द वे ही ट्रीट्स एवरीबॉडी, द ग्रेट अमाउंट ऑफ ह्यूमैनिटी ही हैज़ टुवर्ड्स एवरीवन ऑन द सेट, यू फील लाइक, मुझे लगता है कि मैं घर में आ गया हूँ. और अभी हम सुबह आज ही और बंधु में और डिस्कस कर रहे थे कि यार बड़ी अच्छी घर वाली फीलिंग आ रही है मुझे. यू नो ऐसा कभी नहीं आता कि कोई प्रोड्यूसर आपके साथ सुबह सुबह मंदिर जा रहे हैं, हम सारे एक शो के टूवर्ड सारे मिल के काम कर रहे हैं, किसी को ऊपर नीचे नहीं समझ रहे हैं, सब इक्वल हैं. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एटमॉस्फेयर टू वर्क वेल,
और आई थिंक उसी एटमॉस्फेयर में अच्छी क्रिएटिविटी भी निकलती है. अब आपका बेस्ट तभी निकलेगा जब आपको वो एटमॉस्फेयर मिले, एंड आई थिंक ही नोज द फैक्ट कि मेरे को वो एटमॉस्फेयर देना है और हम उस एटमॉस्फेयर में काम कर पा रहे हैं. तो आई एम वेरी लकी टू, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद. नहीं नहीं कोई पूछ मत. मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था. मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी. जब ऑडिशन के लिए बुलाया और जब पता चला कि शायद मैं वंदना का कैरेक्टर प्ले कर सकती हूँ, उस दिन से लेके अगले 2 महीनों तक DKP टीम, राजन सर खुद, मतलब राजन सर गेव मी द सिंगिंग की बुक की साइली ये बेसिक्स है, रीड दिस. सर सजेस्टेड मी फ्यू मूवीज़ की साइली वॉच दीज मूवीज़. विवेक जी वो मुझे रिकॉर्डिंग स्टूडियो भेजते थे. आरएफ जी हमेशा कोऑर्डिनेट करते थे. सो द होल टीम वाज हेल्पिंग मी आउट. 2 महीनों तक सिर्फ वंदना ने वंदना पे काम नहीं किया बल्कि पूरे टीम ने वंदना पे काम किया है. एंड थैंक यू. मैंने ये एक्सपीरियंस कभी नहीं लिया था ये एक्सपीरियंस, और ये मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा बिकॉज टेलीविजन में ना टाइम नहीं मिलता है, बट वो टाइम उन्होंने मुझे दिया और मुझे बड़ा मज़ा आया. और वो जर्नी मेरे लिए, मतलब वो जो 2 महीने थे मेरे लिए हमेशा मेमोरेबल रहेंगे. तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है एंड दे आर स्टिल हेल्पिंग मी. सो थैंक यू DKP टीम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. कि राजन जी इतने स्पिरिचुअल हैं और इतने रिलीजियस हैं, और आई थिंक दैट्स मेक्स हिम, यू नो, आई थिंक आज जो क्रिएटिविटी भी जो हो रहा है इनके साथ जो निकल रही है, ही हैज़ द कन्विक्शन, ही हैज़ द कन्विक्शन, ही कैन सी द शो, ही कैन सी द कैरेक्टर्स ग्रोइंग, ही कैन सी एवरीथिंग, ही नो दिस विल वर्क. एंड ट्रस्ट मी, हमने जो हमें करते हुए इतना मज़ा आ रहा है, आई एम श्योर कि ऑडियंस को देखते हुए इतना मज़ा आएगा. एंड दिस इज ऑल, यू नो, आई वॉन्ट टू से दिस राजन, मतलब आप कमाल हो, द वे यू स्पिरिचुअली हमें ना ये भाई उन्हें बोलने का कभी मौका नहीं मिला बिकॉज़ ऑफ यू गाइस कि हम अभी सर के सामने एक्सप्रेस हो पा रहे हैं. स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, मतलब आई सो मच टू लर्न फ्रॉम. आई मीन इतना इतना सक्सेस के बावजूद भी आप आज भी, यू नो, सुबह 7 बजे उठ के आई फाइंड हिम sitting on the script in the morning, you know, and मैंने उनको बोला, मैंने कहा somebody like you doesn't need to do that, you can get up आराम से, but he's still doing it. I mean, look at this conviction, look at the hard work, and this is सबके लिए inspiring है. Last 2 question, मोहित आपसे पहले भी आप professional का एक role कर चुके हो serial में, इस बार करने में क्या uniqueness है? नहीं, वो अलग है बिल्कुल यार, वो अलग था और ये character बिल्कुल different है. There's no similarity यार. तो sir आपसे एक सवाल है कि आपके बाकी show काफी hit हो रहे हैं, कोई फार्मूला तो हिट का होता है. तो सारे मेरे बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो हिट नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि फार्मूला नहीं होता, मेहनत करते हैं एंड बाय गॉड्स ग्रेस, टीम्स हार्ड वर्क, ऑडियंस कनेक्शन शूट होता है. आई एम जस्ट होपिंग कि जैसे अनुपमा रिश्ता को जो प्यार दिया है ऑडियंसेज ने, जो एक्सेप्टेंस दी है, और जो कैरेक्टर्स जैसे कनेक्ट करें, वैसा ही बातें कुछ अनकहीं के साथ हो. एंड थैंक यू. Thank you. Bye guys.